सोमा कुकिंग शो की तमाम रेसिपीज किसी बुक, डायरी या फिर किसी इंटरनेट से ली गई है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है, ताकि आप लोग नई नई रेसिपी से आगाही हासिल कर सकें और दूसरों को भी सिखा पाएं, क्योंकि हमने भी दूसरों से सीखा और आप तक ये रेसिपी लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप भी खुद सीखें और दूसरों तक ये रेसिपी पहुंचाएं, ताकि हम सबकी मदद कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हूं आपकी होस्ट सोमा और आप देख रहे हैं सोमा कुकिंग शो। आज हम आपको दही वाली सब्जी बता रहे हैं कि दही वाली सब्जी हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि दही वाली सब्जी के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आलू छोटे चकोर कटे हुए आधा किलो, पालक बारीक कटी हुई आधा किलो, टमाटर बारीक कटे हुए दो अदद, मटर 250 ग्राम, फूल गोभी के फूल 250 ग्राम, गाजर छोटी कटी हुई दो अदद, दही 250 ग्राम, सूखी गोल लाल मिर्चें 10 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच, राई दाने 2 चाय के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर हसबे ज़रूरत, तेल आधी प्याली, बड़ी वाली हरी मिर्चें साबुत सजाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहे। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले लाल मिर्चियों को रात भर के लिए भिगो दें। इनमें ज़्यादा हल्दी नमक डालकर पीस लें। देगची में तेल गरम करें, इसमें गाजर आलू मटर और फूल गोभी चंद मिनट तक तल कर निकाल लें। इस देगची में राई भून कर दही का अमेजा शामिल करें और अच्छी तरह से भून लें। इसमें तली हुई सब्जियां, पालक टमाटर डालकर हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। इसमें बाकी अज्जा शामिल करें और हरी मिर्चों से सजा कर पेश करें। अब चलते हैं आज के टिप की तरफ। चमेली की चाय। चमेली की चाय सुकून पहुंचाने का बाइस बनती है। जो लोग तसलसल से 2 माह तक रोज़ाना चमेली की चाय पीते हैं वो खुद को बेफिक्री महसूस करते हैं। यानी अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चमेली की चाय का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे अपनी डेली डाइट्स के अंदर ज़रूर शामिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के हालिया मुतालबे और रिपोर्ट ने मशवरा दिया है, आपके वक्त 1 प्याली चाय पिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स आपसे मिस हो गया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल से रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स एंड फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी घरेलू रेसिपी है तो, और अगर आप इसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल ज़रूर कीजिए। मैं अपने ही चैनल पर आपका नाम लेकर आपकी रेसिपी को ज़रूर अपलोड करूंगी।
पास कोई न्यू घरेलू रेसिपी है तो आप उसे कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका नाम लेकर उस रेसिपी को अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूंगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।